साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वनस्पति शास्त्र की एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी बता रहा हूँ। ये विधि अगर आप कर लेते हैं तो दूसरी कोई विधि आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों कोई भी अगर रेमेडी करते हैं तो एक ये सोच करके करें कि मैं कर्म कर रहा हूँ, और जो मैं कर्म कर रहा हूँ पूरे मतलब की श्रद्धा विश्वास से कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, जिसके लिए इस प्रयोग को करेंगे इसका 100% रिजल्ट आता है। इसमें दोस्तों प्रयोग को आप 3 दिन कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आप अमावस्या के दिन में, दूसरा पूर्णिमा के दिन में, और तीसरा सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन में। और इसमें आपको जरूरत पड़ेगी एक काले धागे की, 3 नींबू लेने हैं आपको, एकदम फ्रेश नींबू लेने हैं, पीले रंग के होने चाहिए और एकदम फ्रेश नींबू आपको ले लेने हैं। एक रेड मार्कर की जरूरत पड़ेगी और एक काले कपड़े की, ठीक है। और अगर आप दोस्तों काफी रेमेडीज ट्राई कर रहे हैं किसी व्यक्ति को अपने वशीकरण करने के लिए, काफी रेमेडीज ट्राई कर ली कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो देखिए इसका एक रीजन तो ये होता है कि जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, है ना। और यदि ऐसी कंडीशन में आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, आप लोगों ने काफी रेमेडीज ट्राई कर ली कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है और आप लोग परेशान हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस और एक आपको हर वीडियो में अलर्ट करता हूँ कि आजकल फ्रॉड केस बहुत हो रहे हैं। जो लोगों को ABCD नहीं पता होती है, और ऐसे लोग क्या करते हैं कि मेरे पास में काफी क्लाइंट्स से फोन आते हैं, लोग बताते हैं कि सर हमने ठगी में फंस गए। तो जिनको ABCD नहीं पता होती है, काफी लोग क्या बोलेंगे आपको कि एक दिन में, एक घंटे में, 3 दिन में या 3 घंटे में अगर किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि ऐसे लोग फ्रॉड हैं। क्योंकि तांत्रिक क्रिया जो होती है ये बहुत ही जटिल क्रिया होती है, किसी के दिमाग को चेंज करना, ठीक है, तो एक दिन या एक घंटे का काम नहीं है, कम से कम 11 डेज, 21 डेज या 41 डेज इसमें लग जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोले एक दिन में, एक घंटे में या 3 दिन में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं, तो समझ जाइए ऐसे व्यक्ति फ्रॉड है, ठीक है। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। और आज की जो विधि बता रहा हूँ इसको आपको करना है शनिवार के दिन में या पूर्णिमा के दिन में, इसके अलावा अमावस्या के दिन में। और समय रहेगा इसमें दोस्तों रात्रि का, यानी कि 11 से 1 के बीच का। और आपको शुद्ध कपड़े पहन करके, शुद्ध तन मन के साथ में हो सके तो स्नान कर लें, मतलब कि पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के इस रेमेडी को आपको करना है और पूरे विश्वास के साथ में करना है, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि दोस्तों आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, बर्थ चार्ट यदि कन्फर्म नहीं है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग दे सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रयोग को दोस्तों यदि आप लोग शनिवार के दिन में कर रहे हैं तो करना क्या, रात्रि 11 से 1 के बीच में कोरे कपड़े पहन लें, मतलब कि शुद्ध कपड़े आपको पहन लेना है। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और एकदम स्वतंत्र होकर के, मतलब कि आपको किसी की रोक टोक नहीं होना चाहिए, एकदम पॉजिटिविटी के साथ में रिलैक्स होकर इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है। सामने एक बाजूवाटे एक पट्टा लगाएंगे, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देना है, आपको घी का दिया जलाना है, घी का दिया ही जलाएंगे आप, और साथ में 3 नींबू जो होंगे, पहले आपको क्या करना है पटरी के ऊपर कपड़ा बिछाना है, फिर उसके ऊपर एक काला कपड़ा आपको रख देना है जिसमें 3 नींबू को आपको बांधना है। तो 3 नींबू को आप रख देंगे, अब आपको 1 नींबू उठाना है और 1 नींबू पे एक मंत्र लिखना है, क्लीम, यानी कि आधा का ला के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाएंगे बिंदी, तो ये हो जाएगा क्लीम। तो रेड मार्कर से आप लिख देंगे क्लीम। अब दूसरा नींबू उठाएंगे तो उसमें उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसको आप अनुकूल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तीसरा नींबू उठाएंगे तो उसमें फिर से वही मंत्र लिख देना है क्लीम, सिर्फ क्लीम ही लिखना है। क्लीम मंत्र जो होता है बहुत ही दिव्य मंत्र है आकर्षण का, ठीक है।
ये कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद में एक सुई आपको लेनी है और काला धागा जो होगा, काला धागा से प्रो करके सबसे पहले जिसमें क्रीम लिखा हुआ है तो वो वाले नींबू को आप लगाएंगे, धागे में प्रो देंगे, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ वाले नींबू डाल देना है, फिर बाद में तीसरे वाले जो मंत्र लिखा हुआ वो नींबू उसमें आपको लगा देना है। अब इसमें नींबू में आपको माला बनाने के बाद में आपको तीन गांठ इसमें लगानी है, ठीक है। एक गांठ लगाएंगे अपना नाम लेंगे, दूसरी गांठ लगाएंगे उस व्यक्ति का नाम लेंगे, और तीसरी गांठ लगाएंगे तो क्लीम मंत्र बोलेंगे, ठीक है। ये तत्काल आपने तैयार कर लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, काले कपड़े में लपेट करके फिर से काले कपड़े में तीन गांठ लगानी है। तो पहली गांठ लगाएंगे अपना नाम लेंगे, दूसरी गांठ लगाएंगे व्यक्ति का नाम लेंगे, और तीसरी गांठ लगाएंगे क्लीम मंत्र बोलेंगे। अब जैसे आपने शनिवार की रात्रि में किया है तो शनिवार रविवार की सुबह, और यदि आपने पूर्णिमा को किया है तो पूर्णिमा के दूसरे दिन, अमावस्या को किया है तो अमावस्या के दूसरे दिन, ठीक है। मतलब कि रात्रि में प्रयोग करके इसको उठा करके कहीं सुरक्षित आपको रख देना है कि आपकी नजर या किसी और की नजर इस पे ना पड़े। अब दूसरे दिन नहा धो करके स्वच्छ हो जाना है आपको, स्वच्छ कपड़े पहन लेना है नहा धो करके, और इसको उठा करके कोई ऐसे वृक्ष के पास में जाना है जो कि मतलब छायादार वृक्ष हो या फलदार हो, जैसे आम का हो गया, पीपल और बरगद में नहीं करना है, आम का वृक्ष हो गया या फिर कोई जामुन का वृक्ष हो गया, उसके नीचे ले जाकर के इस तत्के को आपको दबा देना है। जब आप घर से इसको दबाने के लिए निकलेंगे तो रास्ते में किसी से भी आपको बात नहीं करनी है, और वहां से घर लौटते तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप जाना है चुपचाप आना है, ठीक है। उसके बाद में जब प्रयोग आप कर लेते हैं, अब आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना है, यानी कि 11 डेज 21 डेज या 41 डेज, ये विधि जो है आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको वैसे 21 डेज से धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। कितना भी दूर व्यक्ति है आप उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं, बस पूरे विश्वास के साथ में करना है। जिस दिन प्रयोग करेंगे नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल इन चीजों को अवॉइड करेंगे, कोई भी स्टोन भर के पहन के इस प्रयोग को नहीं करना है, और शुद्ध कपड़े शुद्ध तन मन के साथ में इसको प्रयोग को करना है पूरे विश्वास के साथ में, ठीक है। प्रयोग करने के बाद में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है आपको, ये नहीं करना क्योंकि देखिए आपने प्रयोग कर लिया उसको लेट गो कर दीजिए, आपने अपना काम कर दिया अब ये शक्तियां अपना काम करेंगी, ठीक है। आपको बस भूल जाना है इस चीज को, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना है, फिर देखिए रिजल्ट आपको बहुत गजब का रिजल्ट मिलेगा, चमत्कारिक रूप से परिणाम मिलेगा, क्योंकि वनस्पति शास्त्र की ये सबसे खास जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पूरे विश्वास से करिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए फेसबुक में इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप में, आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है उस तक की जानकारी को जरूर शेयर करें, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं। यदि आप लोग काफी विधियां ट्राई कर रहे हैं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर असमर्थ है कोई भी विधि आपको रिजल्ट नहीं दे पा रही है, तो एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट करें, आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी जिसका परिवर्तन आपको 11 से 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।